जी मैं मीर के पास पहुंच गया। मीर क्या हाल है? ठीक हो? कैसी तबीयत है भाई तेरी? अरे भाई नाराज हो? भाई हंस रहा है, देख रहा है भाई इतना दिन कहाँ गए। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि भी दद्दा और ये खेल रहे हैं। वसीम आगे ले आओ, आगे ले आओ दद्दा। दुआ रानी, वाह विवाह। नहीं वसीम नहीं बैठेगा, ये नहीं बैठेगा। चलो ये रहे जी भाई। वाह मीर, मीर उठाओ उठाओ, क्या कहते हैं? ये जोर से मारते, पूरे जोर से मारते। अरे भाई भाई भाई, अरे भाई वाह वसीम, हाँ कैसे मारते आज ये देखना। अरे भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों? अरे भाई खुश हो रहा है, खुश हो रहा है मार कर। मीर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अरे भाई इतना जोर से मारता है ना भाई, कोई तगड़ा बंदा भी नहीं पकड़ सकेगा इसे। आ जा वसीम, आ जा देखते हैं क्या करता है। यह बुरी बात है यार। आई, आई, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। चलो चलो छोड़ दो वसीम, छोड़ दे। नहीं करो यार, नहीं करो यार। हाँ ये देखना देखना, अभी ये लगी, ये लगी, ये लगी। चला जी, तो अभी मैंने सामान भी पहुंचा दिया। किसका बाबर के, इसीलिए बकाया रहता है भाई सामान, जो वो भी पहुंचाना है, अभी अमानत है भाई। चल दुआ, चलो मीर यहाँ नहीं बैठेगा अभी। हम गए थे कहाँ, सामान पहुँचाया, और मेरी मेरी वाइफ गए थे बच्चों के पास, वहाँ से होके घर जा रहे थे। ना क्या हाल है, ठीक हो? ये क्या है उठाया हुआ है, बाहर फेंकने, बाहर फेंकने, फेंकना नहीं है, बेचना, बेचना है। चलो दूध वाले दुकान पर खड्डा मार्केट में बहुत मशहूर है, असल दूध मिलता है यहाँ। और वसीम दूध ले लिया, वसीम दूध लिया, कितना लिया दिखाओ? 200 का, ठीक है बहुत है। चलते हैं भी, यहाँ पे लाइन पर दूध मिलता है, और हमें आधा घंटा हो गया लाइन। कितना देर लगी? ये मेरे पापा की दवाई है, कुछ नहीं मिल रही, मेरे पापा की तबीयत खराब है, और ये देखें ये गोलियाँ और दवाई पड़ी हुई है। होम यूट्यूब फैमिली कैसे हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। मेरे पापा की, जब से हम कराची आए हैं पंजाब में, हमने शुगर चेक कराई थी, 350 पर थी, और आप 300 पर आ गए हैं। आप मेरे पापा के लिए दुआ करें कि वो मेरा सारा है। चलो तो जब ये अंदर बिजली चली गई थी तो हम आ गए बाहर उठ के बैठे हुए। तो जी आखिरी बात कहना चाहता हूँ भाई, जिन जिन का दिल दुखा है मेरी वजह से, मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे चाहते हैं, जिनका मेरी वजह से दिल दुखा है, मैं सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ। और तब जब से आप लोग नाराज़ हुए हैं उस दिन से मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, तो भाई ज़िंदगी का कोई पता नहीं। तो जिन जिन का दिल दुखा है मेरी वजह से, मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो हो सके साहब तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मेरी तबीयत सही हुई तो सब बातें मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ क्लियर भी करूँगा, और भी जो दुश्मन दोस्त हैं सब के जवाब दूँगा। लेकिन आप दुआ करें कि तबीयत सही हो जाए, उसके बाद जवाब ज़रूर दूँगा। तो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह करे हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सब के लिए। अल्लाह ताला यूँ हर किसी को हंसता मुस्कुराता रखे, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में। तो खैर जितना आप लोग बातें करा रहे हैं, जो दुश्मन थे वो बातें मुझ पर बहुत गलत मैसेज करा रहे हैं, और भाई जितना भी कोशिश की जा रही है मुझे गिराने में, जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। खैर तो सलमा बेटी ने चेले छोड़ी हुई हैं, चेलियां छोड़ी हुई हैं, जिस जिसने बातें मुझ पर करनी है, जो गलत इंतज़ाम लगाना है, जो कुछ करना है कर लें। तो जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, अल्लाह साहब जानने वाला है। मेरी अब तक तबीयत सही नहीं हो रही, जब मतलब मेरी तबीयत 350 पर शुगर चली गई थी, और अब 300 पर है, आज मैंने चेक कराई है।
तो खैर ज़िंदगी दो दिन की है, जिस पर जितना बातें करनी है कुछ करना है। यह क्या फेंक क्या है, इंसान बोलता है मैं बड़ी चीज़ हूँ, इंसान कुछ भी नहीं है। इंसान ठीक हो तो वो पहाड़ है, इंसान ठीक नहीं हो तो फिर वो क्या है, ज़रा भी नहीं है। तो हम वैसे ज़रा भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं हम। तो जिसने जितना बातें करनी है, मेरा आखिरी पैगाम आज यही है, जितना किसी ने बातें मुझ पर करनी है कर ले। तो सलमा साहब आपने जितना गलत मैसेज मेरे भिजवाने भिजवा लें, जो कुछ करना है कर लें। तो गुलाम अहमद फैमिली साहब भी सुन ले, जितना गलत मैसेज करवा रहे हैं मेरे ब्लॉग पर और मुझ पर, कोई टेंशन नहीं है, तो अल्लाह वारिस है, तो करा ले। लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक हुई तो इंशाल्लाह मैं सबको जवाब दूंगा और मुंह तोड़ जवाब दूंगा। और फिर जी फिर ना कहना कि हमारे चट्टे बट्टे जो बकिया बजते थे वो चाचा ने खोले। तो आप फिर तैयार रहिएगा, मैं भी तैयार हूँ, जितना बातें आप लोगों ने करनी है फुल होके कर लें। तो इंशाल्लाह जब मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मैं फिर इंशाल्लाह चट्टे बट्टे खोलूँगा। और वाइटी किसी का बाप की नहीं है, यूट्यूब पर हर किसी का हक है, वो बात रख सकता है, और फिर मैं बात रखूँगा। फिर मेरी बात का जवाब ज़रूर देना, जो मेरे दुश्मन बने हुए हैं ना, मैं अपने दुश्मनों कह रहा हूँ भी जवाब आकर अपने माँ बाप के तो ज़रूर देना। और मैं अब मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, जैसे आप लोग भी बर्दाश्त करना। तो खैर जितना जिसके ज़ोर लगाना है लगा ले, मेरी ज़िंदगी रह गई अगर तो इंशाल्लाह सबको जवाब दूँगा। और भाई मुझे भाई अकबर से और दिलबर बाबर शहबाज से कोई दूर नहीं कर सकता, हम एक कुछ है और इंशाल्लाह एक रहेंगे। बहुत सारी दुनिया का भी वो जोर है कि जुदा हो जाए, हम जुदा नहीं होंगे, अल्लाह ताला जुदा ना भी करे। तो खैर ये तो सब मेरे अल्लाह के हाथ में, जैसे ही होना है वो उसी ने करना है। शायद मेरी तबीयत सही ना हुई तो कुछ दिनों में वापस मैं कराची से चला भी जाऊंगा वापस घर की तरफ, क्योंकि यहाँ तबीयत सही नहीं हो रही। तो फिर इंशाल्लाह मैं और मेरी वाइफ और वसीम साहब, हम सब तीन घर चले जाएंगे वापस। अगर मेरी तबीयत सही ना हुई, शुगर बढ़ती गई तो फिर अगर कंट्रोल में आ गई तो रह जाएंगे, अगर ना आई तो फिर शायद मैं वापस चला जाऊँ। और अगर ज़िंदगी रही तो मैं सबका जवाब ज़रूर दूंगा, इंतज़ार में रहिएगा। तो ये दुख सुख आते जाते रहते हैं, दुख सुख आते जाते रहते हैं, आज दुख है कल सुख होगा, तो कोई बात नहीं। तो फिर मैं जब आप लोगों के चट्टे बट्टे खोलूँगा तो आप भी इंतज़ार करना। और ये मुझे ये आप मत समझना कि भी सितारा से मैं आपको हम सब मिलके या कुछ करके दूर कर देंगे, ये आप लोगों की सोच है। सितारा के दुश्मन जो है वो मेरे दुश्मन है। तो इंशाल्लाह मैं सबको जवाब दूंगा, टेंशन नहीं लें। तो चाचा वही है जो था, तो मेरी तबीयत सही हो जाए तो मैं सब दुश्मनों को भी जवाब दूंगा, दोस्तों को भी जवाब दूंगा। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, हंसता बसता रखे, आबाद अरशाद रखे। चाचा की दुआ है। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। ज़िंदगी बावफा तो इंशाल्लाह कल व्लॉग बनाएंगे, ना तबीयत सही हुई तो नहीं बनाएंगे। तो अब भी मैं ऐसे तबीयत सारा दिन सीख नहीं थी तो मैं व्लॉग नहीं बना सका, लेकिन अब चार बातें ज़रूरी थी जो करनी थी वो मैंने बताई है। तो कल इंशाल्लाह मेरा व्लॉग मेरी वाइफ के साथ ही आएगा। कुछ जवाब मेरी तबीयत सही ना हो तो वो देगी, कुछ वसीम साहब देंगे। तो अगर मेरी तबीयत सही ना हुई तो नहीं, तो मैं ख़ुद व्लॉग बनाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।